हेलो दोस्तों, नमस्कार। दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान चैनल में सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने कॉकटेल पैरट, लव बर्ड्स और सो बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और लेके चलता हूँ आपको मैं सेटअप के अंदर और फिर हम लोग देखते हैं प्रोग्रेस, मटकियाँ चेक करते हैं। ये कॉकटेल का बच्चा है जिसको मैंने हैंडफीड पे उठाया हुआ है और ये कॉकटेल का जोड़ा बाहर आ गया है, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं और सबसे पहले हम लोग इसकी मटकी को ही चेक करते हैं क्योंकि बाद में हो सकता है ये दिखाए ना। काफ़ी एग्रेसिव है फीमेल, तो अभी मटकी के अंदर चलते हैं। फीमेल अंडों पर बैठ गई है। इसने अभी पिछली बार इसने 4 अंडे दिए थे और चारों बच्चे निकले थे, जिसमें से 2 बच्चे एक्सपायर हो गए थे और 2 बच्चों को मैंने हैंड फीड पे उठा लिया था और एक चिक्स अभी मेरे पास ही है और एक चिक्स को मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया है। अभी इसने 3 अंडे ही दिए हैं दोस्तों, तो ये भी होता है दोस्तों, अंडों की क्वांटिटी कम हुई है। हालांकि पिछली सीज़न में इस फीमेल ने 7-7, 8-8 अंडे भी दिए हैं और ये इसका मेल है, पेचले स्पाइड का बेहतरीन क्वालिटी है और मार्किंग देखिए आप, इसके पीछे आपको हार्ट बना हुआ नज़र आएगा, एक अच्छी मार्किंग है मेल की, काफ़ी डर रहा है मेल। तो कॉकटेल ने अभी 3 अंडे ही दिए हैं और अंडे दिए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो बहुत जल्द इनमें बच्चे भी हमें देखने को मिलेंगे। ये मेल है, पेचलेस फीमेल मुझे नहीं मिली थी तो इसके साथ ही मुझे पेयरिंग करनी पड़ी और ये बच्चा है जिसको मैं अभी हैंड फीड करवा रहा हूँ। इसके करीब आते ही देखिए ये फीड मांग रहा है, जबकि मैंने इसको अभी फीड करवा दी है। ये देखिए, क्योंकि इसको लगता है कि मुझे हैंड फीड करवाएगा। ये चलते हैं हम अब 100 क्रॉस के पिंजरे में। ये मेल बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा है अच्छे से और फीमेल अंदर मटकी में है, तो देखते हैं ये हमको दिखाती है या नहीं। ये देखिए, ये बच्चों पर बैठी है, बच्चे निकाल दिए हैं इसने। जब इसने अंडे दिए थे तो मैंने आपके साथ इसकी प्रोग्रेस शेयर की थी, पहला अंडा जब आया था, तो अभी देखते हैं कितने बच्चे निकले हैं। एक बच्चा तो देखा है मैंने और दूसरा भी शायद निकला है, इसीलिए कंटिन्यू बैठी है। ये बड़ा वाला गेट खोल के ही अंदर चलना पड़ेगा, इसको साइड में हटाना पड़ेगा तभी अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊँगा कि कितने अंडे बचे हैं और कितने बच्चे अभी निकले हैं। ढक्कन हटा दिया है तो अभी थोड़ा ऊपर से इसको थोड़ा हटाते हैं। समझ गई है ये कि ऊपर से कुछ हरकत होने वाली है, तो अभी देखते हैं ये हटेगी या नहीं हटेगी। तो अंडा एक टूटा हुआ नज़र आ रहा है, तो अभी लग रहा है मुझे दूसरा बच्चा आ गया है। पहला बच्चा आप देख सकते हैं, 2 अंडे भी पड़े हैं, इसने 4 अंडे दिए हैं और 2 चिक्स निकल गए हैं, तो इसको कोशिश करेंगे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। एक बच्चा आपको हल्का सा नज़र आ ही गया होगा और इस फीमेल ने भी पिछली बार 2 क्लच दिए थे और दोनों क्लच में 4-4 बच्चों को इसने पाला था। इस बार ये काफ़ी दिक्कत हुई, इसको ब्रीड पे नहीं आ रही थी ये, और बहुत से मैंने चेंज किए तो ये ब्रीड पे आ गई। अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे, उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं जब ये ब्रीड पे आई। अभी लेके चलता हूँ आपको नीचे वाले केज में। एक जोड़ा यहाँ भी है मटकी लगाए हुए, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मौसम आप सभी जानते हैं कि कैसा चल रहा था, अभी कितनी तेज़ गर्मी हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल 1-2 दिन से अभी सर्दी का एहसास होने लग गया है, टेम्परेचर काफ़ी सही हो गया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फीमेल अभी मटकी में जाना इसने स्टार्ट किया है, तो बहुत जल्द मैं आपको इसके भी अंडे दिखाऊँगा। बाकी ये हमारा लवबर्ड्स के हमारे 2 जोड़े हैं यहाँ पर, आप सभी जानते ही हैं, इनके मैंने अंडे भी आपको दिखाए थे, दोनों जोड़ों ने 4-4 अंडे दिए थे।
एक जोड़े के 3 अंडे खराब हो गए थे, डेड इन सेल हुए थे, एक बच्चा निकला था और वो एक बच्चे को भी मैंने इस दूसरे वाले जोड़े के नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और चेक करेंगे हम लोग के दूसरे वाले जोड़े ने वापस अंडे दिए या नहीं दिए। मेटिंग तो चल रही है उस जोड़े की, तो अभी लेके चलता हूँ मैं आपको अंदर और फिर देखते हैं हम बॉक्स वगैरह को चेक करेंगे। ये बॉक्स है, ये मेरा पुराना वाला जोड़ा है, काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग की है इसने। और ये वो बच्चा है जिसको मैंने शिफ्ट किया है यहाँ पे। इस बॉक्स में निकला था ये बच्चा, अंडे इस बॉक्स में दिए थे, लेकिन बच्चा जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो उसके बाद काफ़ी टाइम ले लिया इस जोड़े ने। और मटकी मैंने इसको दी क्योंकि ये उस वाले जोड़े के बॉक्स के ऊपर जा रहा था, वहाँ अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने ये मटकी लगा दी। ये पहले भी लग रही थी लेकिन मैंने हटा दी थी जब इसने अंडे दे दिए थे, लेकिन मुझे ये वापस लगानी पड़ी और अभी इसी मटकी में ये अंडे देगा क्योंकि इसी मटकी में ये बैठ रहा है और मेटिंग भी चल रही है। तो बहुत जल्द इसके अंडे भी मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी ये फीमेल बैठी है, पाइड की फीमेल आप देख सक। अब मैं आपको इस बॉक्स में लेके चलूँगा और सभी बच्चों को आपको दिखाऊंगा। जिस बच्चे को मैंने शिफ्ट किया है, काफ़ी ग्रोथ उसकी स्लो हो रही है। उसकी वजह ये है कि इस बॉक्स के जो मेल फीमेल हैं वो इसे फीड नहीं करवा रहे हैं, इसे मार नहीं रहे हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसको फीड नहीं करवा रहे हैं। और ये इसके खुद के बच्चे हैं, इनकी साइज़ वगैरह देख सकते हैं आप। और प्लकिंग कर रहे हैं, ये जोड़ा थोड़ी बहुत प्लकिंग करता है, लेकिन जब बच्चे बाहर आ जाते हैं तो फेदर एकदम सही से हो जाते हैं। और अपने बच्चों को तो ये काफ़ी अच्छे से फीड करवा रहा है, ये आप देखिए क्रॉप में अच्छी खासी फीड है इसके। लेकिन जिस बच्चे को मैंने शिफ्ट किया था उस बच्चे को बिल्कुल भी ये फीड नहीं करवा रहा है, जबकि इन बच्चों का अंतर इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस बच्चे की ग्रोथ देखिए, बिल्कुल स्लो। अभी मैं इसको हैंड फीड करवा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और वापस मैं इसको बॉक्स में ही रख रहा हूँ जिससे ये बच्चों के साथ रहे तो सही टेम्परेचर इसको वहाँ पे मिलता रहे और मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाए, क्योंकि अगर मैं अपने पास रखता हूँ तो इसकी केयरिंग मुझे अच्छे से करनी पड़ेगी। फ़िलहाल मैं इसको हैंड फीड करवाता हूँ और बॉक्स में वापस रख देता हूँ। अभी हैंड फीड का समय है इसका, तो अभी मैं आपके सामने ही इसको मैं हैंड फीड करवाता हूँ, और हैंड फीड कैसे करवाता हूँ वो भी आप अच्छे से देखिएगा। तो इसको मैं लेके चलता हूँ बाहर और फिर हैंड फीड करवाता हूँ मैं इसको। फीड मैंने पहले से बना के रखी थी, सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। फीड करवाते समय फीड को अच्छे से चेक कर लें, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए वरना चिक्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी ये देखिए आपके सामने कितना अच्छे से फीड ले रहा है। चम्मच को आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाया है फीड करवाने के लिए। इस तरह से आप घर में ही बना सकते हैं चम्मच को दोनों तरफ से फोल्ड करके, जिससे आसानी से जो चिक्स है वो फीड ले सके। मैं हमेशा ही चम्मच से ही करवाता हूँ जब भी किसी बच्चे को फीड करवानी होती है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से ये फीड भी ले रहा है। तो देख सकते हैं अच्छे से इसने फीड ले लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्रेस आपको पसंद आई होगी। प्रोग्रेस आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।